मेरे नाम सेवा मिसल ये मिला इनको आया जो वो भी गायब तो में ही हो सकता है। और इसी क्रम में सबीना अदीब जी जो इस कार्यक्रम की भी सम्मानित श्रोता, मेरे लिए एक आदेश है। मैं समझी कि कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन रमेश जी का आदेश है, सचिन अवस्थी जी, रमेश अवस्थी जी, आप सब, क्योंकि ये श्री राम सेवा मिशन है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि क्यों ना मैं आपको राम की ही वंदना इस वक्त सुनूं। क्या बात है, जोर से कि अपना जी मोरे मन मंदिर मेरा विराजे मोरे मन मंदिर मेरा, मैं और उसके लिए तालियां और आशीर्वाद अगर इतना कम हो तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए अफसोस की बात है। विराज मोरे मन मंदिर मेरा, वो है जगत के पालनहारे, कानपुर का ही हूँ, करतल किशोर नाम है। तो मैं चार चार पंक्ति करके कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, जितनी हिम्मत बंधा पा रहा हूँ। बहुत बड़े लोग मेरे सामने हैं, वैसे भी पत्थर शिवाला नहीं जा सका, जिसने जीवन से हमको निकाला, सहज उसको दिल से निकाला नहीं जा सका, उसको दिल से निकाला नहीं जा सका। स्वपन समीधा विरह साधिका बन गई, कृष्ण सी तुम
जल में डूबी हुई द्वारिका यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है, यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है, तब तो प्रतिदान देने पड़ेंगे। यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है, तब तो प्रतिदान देने पड़ेंगे। देख सम्मान सबको स्वयं, तुमको अपमान लेने पड़ेंगे। देख सम्मान सबको स्वयं, तुमको अपमान लेने पड़ेंगे। भागती भीड़ को मत निहारो, भागती भीड़ को मत निहारो, खुद को देखो कहां तुम खड़े हो। भागती भीड़ को मत निहारो, खुद को देखो कहां तुम खड़े हो। ये न जाना तो क्या तुमने जाना, बेवजह मत कहो के बड़े हो। बेवजह मत कहो के बड़े हो, सच में पा जाओगे तुम बड़ाई, सच में पा जाओगे तुम बड़ाई, किंतु बलिदान देने पड़ेंगे। देख सम्मान सबको स्वयं, तुमको अपमान लेने पड़ेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बताना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध से कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। तब शुरुआत करता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। ओ महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। ओ महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वो याद कीजिए कि नीति अनित पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति अनित पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। वो पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। इस प्रोग्राम के लिए एक बार तालियां हमारे बड़े भाई के लिए हो जाए। और ऐसे ही नहीं, रमेश अवस्थी बने, उसके पीछे तमाम उनकी तपस्या और परिश्रम है। चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। तो एक बार तालियां भाई साहब के लिए। मैं अपने क्रम में हूँ, 5 मिनट केवल आपका दूंगा। ओलंपिक पूरे विश्व में जीता गया तो लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे कानपुर के लोग ओलंपिक नहीं जीत पाते, उत्तर प्रदेश के लड़के कितने नकारा हैं हमेशा कि हरियाणा और पंजाब के लड़के जीतेंगे। तो मैंने आपको कारण बताऊं, एक मैंने टिप्पणी करी, पूरे देश में पॉपुलर हुई। मैंने कहा उसका एक कारण है, हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे उठता है, 2 घंटे जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है नाश्ता करता है, उसके बाद वॉक करता है, फिर वो अंग्रेजी एक बार पढ़ता है हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, चाय पीता है, उसके बाद सो जाता है, शाम को उठता है, फिर वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद वो नाश्ता करता है, उसके बाद 2 घंटे फिर पार्क में टहलने जाता है, टहलने के बाद वो खाना खाता है, उसके खाना खाने के बाद कि खाना पच जाए 1 घंटा वो और टहलता है, उसके बाद वो सो जाता है। कुल मिला के एक दिन में हरियाणा का लड़का 4-6 घंटे जिम, 4-6 घंटे घूमता है। उत्तर प्रदेश के लोग खासकर कानपुर के सुबह 9:30 बजे उठते हैं, नीली जीन्स सफ़ेद हाफ शर्ट, सबसे पहले जाते हैं अपने घर के नज़दीक चौकी, वहाँ के चौकी में 4 साथ एक सेल्फी लेते हैं और डालते हैं बड़े भाई राम प्रकाश कनौजिया नए चौकी इंचार्ज का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली एक जोरदार बजा दीजिए। तो बताइए हमें भैया, हम लोग ओलंपिक जीत जाएंगे। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है, खाना खा के कानपुर का लड़का सो जाता है, सोने के बाद अपने 4-6 लड़कों अपने साथ जब दोस्त इकट्ठा होते हैं तो बियर की बोतल खुलती है, उसके बाद स्पीकर खोल के उसी चौकी इंचार्ज जिसके साथ वो सेल्फी लेता है, स्पीकर खोल के फोन करता है कि तुमने हमारे जो दोस्त को पकड़ा था
शाम तक छोड़ देना नहीं, तुमको हम निपटा देंगे। सिर्फ यूँ कहा जा सकता है कि वो मतलब ईमानदारी की बात यह कि बहुत बड़े कद का आदमी एक रास्ता ऐसे ही कोई सचिन अवस्थी या रमेश अवस्थी नहीं बन जाता, कोई दर्द भरी छाँव में ठहरा नहीं होता। कितने लोग आए माले पहन के चले गए, कितने लोगों को मैं देख रहा था, एक व्यक्ति तो बगल में कहीं कोई आके बैठ जाता है, कितना एडजस्ट करना पड़ता है, कितने खून के घूंट पीने पड़ते हैं तब कहीं जाके कोई रमेश अवस्थी या सचिन अवस्थी बन पाता है। जोरदार तालियां इनके लिए कि कोई दर्द भरी छांव में ठहरा नहीं होता। और ये कदापि मक्खनबाजी मत समझिए, इसलिए ना समझिए कि मुझे इनसे भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, ना मैं लेता हूँ और ना ये देते हैं है? तो कोई दर्द, ये बिल्कुल सच्ची बात, रमेश भैया को जैसा मैं जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि जितना मैं रमेश भैया को जानता हूँ उतना सब जानते हैं। अगर ये बात सच हो तो एक बार जोरदार तालियां। क्यों? क्योंकि सबके साथ ये सबकी तरह हो जाते हैं, सबके साथ जिसके साथ रहते हैं उसको लगता है कि रमेश भैया मेरे। ये जो कला है गुरुवर, ये हमको भी सिखा दीजिए, जिससे सारे कवियों को ये लगे कि ये हमारा ही आदमी है ना। खैर, मैं कह रहा था इनके लिए चार पंक्तियां कि कोई दर्द भरी छांव में ठहरा नहीं होता, दिखने में अगर जख्म सुनहरा नहीं होता, और एक रास्ता तय करके ही मिलती है बुलंदी, सागर भी किनारे से ही गहरा नहीं होता। सुनिएगा चार पंक्ति इसी खानदान की कबीले की। कहा यह है कि बड़ा चालाक है अंधे को दर्पण बेच देता है, बड़ा चालाक है अंधे को दर्पण बेच देता है, बताकर राम की लकड़ी को चंदन बेच देता है। बड़ा चालाक है अंधे को दर्पण बेच देता है, बताकर राम की लकड़ी को चंदन बेच देता है। सड़क के उस बदारी की तरह है ये सियासतदान, दिखाकर सांप जो लोगों को मंजन बेच देता है। और ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए? ये तो अपनी हद में थे। जरूरी नहीं है कि सियासत को गाली दी जाए, बड़े सलीके से भी बात कही जा सकती। ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए? बबूल के कांटे कहो बरगद में कैसे आ गए? ये तो अपनी हद में थे, इस हद में कैसे आ गए? बबूल के कांटे कहो बरगद में कैसे आ गए? और हमने तो देखा था इनको सिर्फ जंगल में मियाँ, अब तुम बताओ भेड़िए संसद में कैसे आ गए? और नौजवान कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, चार मिसरे हाजिर करता हूं। कि ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा, ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा, बदल पाया ना कल जिसका ना उसका आज बदलेगा, ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। सबसे अच्छा कथा आपके बीच रखता हूँ, 5000 कथा लिखने के बाद जब ये महसूस हुआ कि ये कुछ ठीक हो गया है, वो हाजिर करता हूँ आपके बीच। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गड़गड़ाते हैं। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गड़गड़ाते हैं, और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते, अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। मैं एक कविता शुरू करता हूँ, वाल्मीकि जी का स्मरण करता हूँ, हास्य व्यंग की कविता, मुझे सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। एक डाकू था निराला पड़ गया उसका रामपाल से पाला, एक डाकू का निराला पड़ गया उसका रामपाल से पाला, और खुल गया उसी अगल का ताला। रामपाल एक कवि है, अच्छे कवियों में उनकी छवि है, मंच पर आते हैं तो छा जाते हैं, अपनी पत्नी की तारीफ में अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। एक बार डाकू ने रामपाल जी की पत्नी को अपहरण कर लिया,
फिर फिरौती में फोन पर 5 लाख रुपए की मांग किया। रामपाल जी बोले, कान खोल कर सुन लिए डाकू भैया, मैं कवि हूँ, मुझसे नहीं मिलेगा एक भी रुपया। दूसरे में त्रेता युगी राम लला की तरह नहीं हूँ, दूसरे में त्रेता युगी राम लला की तरह नहीं हूँ जो एक पत्नी के लिए तुझसे युद्ध रचाऊंगा। अरे 5 लाख रुपए तुझे देने से बेहतर तो दूसरा ब्याह रचाऊंगा। अरे 5 लाख रुपए तुझे देने से बेहतर तो दूसरा ब्याह रचाऊंगा। रुपयों के साथ साथ ढेर सारा सामान भी दहेज में पाऊंगा। डाकू चकराया, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। बोला गलत नंबर डायल हो गया। डाकू चकराया, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। बोला गलत नंबर डायल हो गया। रामपाल जी बोले, नंबर तो तूने सही डायल किया परंतु गलत आदमी के हाथ लग गया। फोन स्पीकर ऑन था। एक एक शब्द पर लगा पत्नी का ध्यान था। वार्तालाप सुनकर बेचारी घबराई, उनको उनकी आंखों के सामने खड़ी मौत नजर आई। बेचारी चीखी और चिल्लाई, हे प्राणनाथ, मेरे प्राण बचा लीजिए, किसी भी तरह 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कीजिए। रामपाल जी बोले, प्राण प्रिय तुम्हारे प्राण तो बच जाएंगे किंतु 5 लाख के बंदोबस्त में मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम पति व्रता धर्म को निभाना और डाकू की गोली बाद में खाना। पहले अपने अंदर उसे एक माँ की तस्वीर दिखाना, फिर अपने अंदर एक बचपन को अपनी गोद में खिलाना, फिर कैसे कैसे कर माँ स्वयं का शोषण करती है, बच्चों का पालन पोषण, यह सब दिखलाना, फिर तुम उसकी बहन बन जाना। और कहना डाकू भैया, पल भर के लिए सारे भेद भुलाना और अपनी माँ और बहन की तस्वीर मुझ में देखना। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे मिला दूं अगर तुम कहो। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप मौजूद हैं, शेर सुनाती हूँ कि दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। सब यहाँ पर हैं अपने पराए नहीं, सुने वीर जी, सब यहाँ पर हैं अपने पराए नहीं, और अपनों से बात छुपाते नहीं। सब यहाँ पर हैं अपने पराए नहीं, और अपनों से बातें छुपाते नहीं। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, बेवफाई, जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो। जिक्र जिसमें तुम्हारी जफाओं का है, वो गजल भी सुना दूं अगर तुम कहो। अब जाते जाते, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, 2-3 शेर उस गजल के जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया था, तो मैं सुनाती हूँ, सुने। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जरा जाग कर सुनिए, कई साल पुरानी ये गज़ल, लेकिन दुबई मुशायरे, हर साल मैं जाती हूँ, साल की कई कई बार दुबई जाना होता है मुशायरों में, और वहीं से मेरी ये वीडियो क्लिप ऐसी वायरल हुई कि अब आपकी तालियाँ दुबई तक पहुँचनी चाहिए। कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, अभी तकल्लुफ
आगुआ झुके हैं पलके नहीं आप हैं टुन्नीगंज में टुन्नीगंज अभी ना कभी टुन्नीगंज देखा है नींद तुमको अभी ना हमको सुकून मिलेगा अभी ना आएगी नींद तुमको अभी ना हमको सुकून मिलेगा अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा अभी ये चाहत नहीं नहीं है वो शुलग है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नहीं नहीं है बहार का आज पहला दिन है चलो चमन में टहल के आए बहार का आज पहला दिन है चलो चमन में टहल के आए फजा में खुशबू नई नई है गुलों में रंगत नई नई है खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं नहीं है इस गजल का ये शेर आप सबका ध्यान चाहती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना अच्छा लगा इस शेर को जैसा सुनना चाहिए आपने मुझे सुना आपका स्नेह मिला आपका प्यार मिला बहुत बहुत शुक्रिया जो खानदानी बहुत शुक्रिया जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नहीं नहीं एक शेर हमने अपने मंच के लिए लिखा हम जब अपने मंचों को ऐसा देखते हैं कि हमारे कुछ नए कवि और शायर हमारे कल्चर से दूर हो रहे हैं हमारी तहजीब से दूर हो रहे हैं कभी कभी सीनियर्स के आगे भी बैठते हैं और उनकी रचनाएं उनकी कविताएं जब आपको सुना दी जाती हैं तो जिसने लिखा है उसको कितनी पीड़ा होती होगी आप ज़रा महसूस करें तो मैंने ऐसे लोगों को अपने शेर में जोड़ा है मैं आपके लिए पढ़ती हूँ आपका प्यार और आपका इसमें मानती हूँ सुने के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जरा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में जरा सा कुदरत हम सब एक हो जाए अंतिम चार पंक्तियां क्योंकि बहुत बड़ा मंच हो गया इनाना प्रताप की जीत हम सब क्या है हम बेजान भाई सुनिए क्या है हम में से को रखने वाले पीपल के पर्ण हमी तो है बाल्मीकि में से को रखने वाले पीपल के पर्ण हमी में है बन सोने की चिड़िया उड़ जाने वाले स्वर्ण
हम ही में है। जग को रंग में रंगने वाले श्यामल से मन हम ही में है, और मित्रों पर मिट जाने वाले मत वाले कर्ण